बाराबंकी में लगी पुष्प प्रदर्शनी ने बरबस ही सबका मन मोह लिया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने किया था। दोनों अतिथियों ने पुष्प प्रदर्शनी के महत्व पर प्रकाश डाला। किसानों को प्लेटफॉर्म देने के प्रयासों को रेखांकित भी किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न पुष्प श्रेणियों में प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। वहीं रंगोली कलात्मक पुष्प सज्जा आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। प्रदर्शनी में मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बच्चों ने अपने हथेलियों पर मेहंदी लगवाकर मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया। अभी तक हम लोग राजभवन लखनऊ में जो पुष्प प्रदर्शनी होती थी वहाँ के बारे में हम लोग जानते सुनते थे। इस बार मंडल में भी पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई कमिश्नर साहब के द्वारा। उसके बाद उन्होंने सभी डीएम साहबों को निर्देश दिए कि जनपदों में भी इस तरीके से प्रदर्शनी कराई जाए और इससे जनपद में जैसे और औद्यानिक गतिविधियाँ तो होती हैं लेकिन फूलों की भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी और शहरों में भी इससे प्रचार प्रसार होगा। जो लोग गमले में फूल लगाते हैं इसके अलावा बड़े बड़े पॉली हाउसेस बन रहे हैं जो बाराबंकी में काफ़ी होते हैं तो वो लोग भी अगर प्रतियोगिता के माध्यम से आयोजित किए जाएँ तो और प्रोत्साहन मिलेगा। इस उद्देश्य से डीएम सर ने 60 नोटिस पे इस प्रदर्शनी को आहूत किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये जैसे समय चुनाव आने वाला है तो उन्होंने उसमें एक थीम के साथ कहा कि इसके प्री एक्टिविटी इलेक्शन की होगी हो जाएगी।